छोरा पग हरियाणे आरा, यो छोरा हरियाणे आरा। राम राम भाई सारा ने भाई घर ने एक टंकी की जरूरत आन पड़ी है जो छत पर जाइए तो भाई अपने आप करूँगा सारा काम। टंकी किस तरह एडजस्ट करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ चाहिए, सारा जो नहीं कह सको कि प्लम्बिंग का काम जितना भी है मैं खुद तो करूँगा। देखो यह जगह है भाई, यो पानी का अंडरग्राउंड टैंक है। इस टैंक में तो एक कनेक्शन तो इसमें दे लूँगा उस जगह पर, और यो जो है यो नलका है भाई, यो जो फ्रेश वाटर आ रहा है उसका पाइप है, इसने भी उड़े सेट करूँगा। तो इसमें क्या काम करना है, शुक्र मेरे पे यहाँ मोटर है, इस मोटर ने उसके साथ सेट करूँगा, वह पानी ऊपर इस जगह पर क्या आड़े कर ले जाकर नू और ऊपर उस जगह पर टंकी धरूंगा, ऊपर पूरी टंकी चढ़ानी है। ये दूसरे नलके का पाइप जा रहा है भाई, तो ये ऊपर पाइप सेट करना है, नलका चढ़ाना है और यह मोटर सेट करनी है। तो चलो भाई जो जो चीज चाहिए है वो चीज वो पाइप लेन चला। हाँ तो भाई यह टंकी लिया है, यहाँ 500 लीटर की टंकी है, यह टंकी ऊपर चढ़ाता है। बाकी दिक्कत नहीं, इसका ढक्कन इसके मैं है। अरे भाई ये चीज़ लेकर आया हूँ, और ढक्कन से ये कार्य कर ले आया, वो जो बड़े बड़े पाइप हैं वे दो वे काटने हैं। और भाई ये और बाकी सारा सौदा टेप है भाई, 16 फुट का, 16 मीटर का ये चीज लेगा भाई। इनकी हेल्थ है और उस पाइप की हेल्थ है और एक इसकी हेल्थ है। यह टंकी यहां से वहां जाएगी ऊपर छत के ऊपर। तो करा भाई शुरू काम, चलो। तो देखो भाई यह जगह जगह आड़े थे ये ईट निकाल कर है, और इसमें होद मत पाइप लेकर जाने का रास्ता उड़ी थी बना दिया है इस तरीके से, हरियाणे का पाइप अपन ऊपर पहुंचाना है। तो चलो ईट पाड़ ला। देखो भाई ये लो काली टाइल है, इन लो काली टाइल हम क्या थोड़ी सी जगह बना कर इन्हें हिला डुला कर हाथ तो नू पकड़ कर बिल्कुल सीधी ऊपर ने खींच लगे ना तो आराम से लकड़ जाएगी। अरे एक ईट लकड़े पाछे बाकी तो देख सारी नु आराम आराम दे जब नु सारी लकड़ा होगी। ये बहुत बढ़िया काम है इन लो काली ईटा का, इन्हें काट लिया एक बार सारिया नाड़े थे। लो भाई इस नलके का भी रास्ता पा गया है, यो रे अड़े अरे यो इतना गहरा कर दिया है कि इसमें से इस पॉइंट पर ताड़े दे जो या होद है, जो टैंक है पानी का, इसमें कनेक्शन कर देंगे। और इस नलके ने जो फ्रेश वाटर का इसने न्यू का न्यू रे ने मोड़ के मैं हाड़ ले आऊँगा। तो भाई खुदा बाड़ी का जो काम था हो गया है, यो भाई ऊपर तो जो छत का पानी आया करा उसका पाइप हड़ है यो भी बचा कर रखना है ना, तो भाई फिर मेरी देही टूटेगी पूरे ने पाइप टूटेगा फिर मेरी देही टूटेगी। तो दोनों काम बड़े सहूलियत के साथ
बड़े ध्यान पूर्वक करने पड़ेंगे भाई। तो देखता हूँ एक बार थोड़ा सा किस ने किस तरीके तो रेंता डे काट करने जॉइंट लगा कर डे लेके जाऊँ या फिर कुछ और काम करूँ। जॉइंट तो देखो लगाना पड़ेगा, बिना जॉइंट के तो काम चला नहीं। इब यो जो पाइप है यो वाला, अगर मान लो मैं आड़े जॉइंट लगाऊं तो यो इतना बड़ा कौन है कि जो रेती चला जा ना, तो यो आड़े गेड़े जॉइंट लगाया इस पाइप नो रेन न्यू कानू सेट कर देंगे, यो आड़े फिर न्यू कानू काम आ जाएगा। पर देखते हैं भाई, मन तो लगता नहीं। चलो ना पता ले करके देखा इसकी कितना के है यो भाई, ये आशे आद का कितना फुट बैठा है। जब कम लग गया तो भाई इसने आड़े तो और पाड़गा नहीं, और रेन खींचूंगा, कोशिश इससे न कराए करने की। यूज चलो भाई नाफा है विष्णु जी ने, यह भाई 1 फुट 9 इंच का और यो रेन पड़ जा भाई 1 फुट लगभग 2 फुट के आसपास, तो 3 इंच का फर्क है। तो इसे थोड़ा सा उरे न्यू बैंड कर देंगे, न्यू बैंड करके उरे दिले आवेंगे इसने। तो चलो काटा पीटी का काम शुरू करा। चलो भाई एक बार पाइप नाप ले रहे हैं, दो पॉइंट तीन का पाइप चाहिए है। देखो भाई इनका यो फायदा है, इसमें डायरेक्ट जो पाइप को लगाऊंगा इसका जो सॉल्यूशन जो है पीवीसी पाइप चिपकाने का, थोड़ा इसमें लगा दिया और थोड़ा हजरों से ऐसा पाइप का चिपकाना भाई उस पर लगा दिया। इन दोनों ने न्यू सेट कर दिया है, फिक्स हो गया। पर गति ये लकड़ा नहीं करता, गति तुरंत चट मंगनी पट्टे ब्याड़ा काम है भाई। ठीक है इसने आड़े थे यू लगा देंगे, इस पाइप ना आएगा नहीं करता ना। एक चीज और कर लिया इससे पहला जो बाद में कुछ ना करेगा, एक जोड़ जोड़े नोक लगा लिया। हाँ इसलिए हमको चाहिए बार बार नहीं हो मुझे ये मैं हो। तो भाई एक छोटी सी हथौड़ी वगैरह चाहिएगी थल्ले भाई। लो भाई ये पाइप भी लगा दिया, उन्होंने टेम्परेरी लगाया ताकि इसमें माटी मुटी ना जाएगी। इब जो अपनी मोटर थी वो मोटर कित गई, वो मोटर सेट करेंगे बाहर है इस जगह पर। ठीक है इस जगह पर वो मोटर सेट कर देंगे, इसके साथ में आड़े क्या आड़े का पानी पाइप चढ़ावाएंगे। चलो भाई करते हैं उसका भी जुगाड़ कुछ। देखो भाई मोटर ना न्यू की न्यू चाहूँगा, और ये इसमें जो एंट्री का पाइप है इसका और यो देख पर नहीं चला गया, इसलिए क्या करेंगे आड़े तो खोल करना पूरे नहीं कर लेंगे क्योंकि हमने पाइप आड़े चढ़ाना है। तो ये दो काम करने हैं भाई, पहली बात तो यो भी है देखो आधा पौन इंची का हर हम पाइप ले रहे हैं तो वो आधा इंची का, तो इसने भी बदलना पड़ेगा यो भी, तो यो बदलना है और यो बदलना है, इसके ये दोनों काम कर लें पहले बदलने के। हमने इसका इतना काम कर दिया भाई लड़के, अगर आ भी गई तो अपना काम चल जाएगा। ये हालांकि ये थोड़ी और
इसमें शांति अरे वो निशान कितना ऊपर है कितना नहीं, एक मिनट ये निशान से भाई आ रहे लेकिन है एक पॉइंट दो फुट का, तो 1.2 फुट का भाई हम इससे वाला पाइप काट लें। हाँ इससे मतलब काट लें 1-2 पॉइंट फुट का, तो जब मैं ये दृश्य का हम कर लिया है लो भाई, एक काम तो होगा ना सेट यू पाइप बड़ा है, इतना ही जाना होगा अपना। तो यो भाई पूरा चेंज करना पड़ा है, तो क्योंकि अपने पते सिस्टम को शक्कर आया है नहीं यो था, ये समझ डन का है। ये तो इसमें लग जाएगा ठीक से, इसमें तो कर लेंगे। तो वही ना करवाऊं पहला ठीक है, उसके बाद करते आगे का काम। लो भाई खुदाई वगाई का सारा काम कर दिया है, जो मेन होल निकालना था, जो मेन पॉइंट निकालना था भाई होद में, वो भी निकाल दिया है, इस होद में निकाला है। अरे देखो जो रहा है वो पॉइंट भाई ये निकाल दिया भाई, अरे ये दोनों पॉइंट, ये दोनों जो दो पाइप लगेंगे वे हर एक लगेंगे, मेन जो भी नक्शा होगा वो दिखाते हैं भाई किस तरह से बनेगा। फिलहाल भाई मैं इस काम ने यहीं छोड़ के जाऊँ, थोड़ा सा काम आगे की तो आगे करूँगा। ठीक है भाई, देखो भाई नलके भी आ गए हैं, और एक चीज़ का भी कंफर्मेशन हो गया ना, तो उस पॉइंट पर कोई लीकेज है और ना आड़ जो दाब रखा है ना उसमें कोई लीकेज है। देखो नलके रहे हैं, आ देखो ये पानी चलना आ रहा है, इसे मैं बता देना पानी चलना आ रहा है। तो भाई ये जो पानी काम का चलना आ रहा है ना, इसमें कर दूँ मैं बंद। देखो भैया वाल्व है,
तिरपाल लगा दी मारे ताकि फालतू का पानी वेस्ट ना होगा। बस बात खत्म, क्योंकि भाई भी की तो जरूरत पे मैं जाना है था तो वेस्ट था तो ठीक कराया, बंद कर दिया। ये बारे का जो प्रोसेस है यो पाइप लगाने का मोटर के साथ का ये शुरू कर दूँ मैं। देखो भाई यह मोटर तो दी तोड़ अड़े थे रिब या लेकर आया हूँ नहीं, ये भी इसका सिस्टम बैठावांगे। या भाई एक हॉर्स पावर की है 4800 रुपए की। और भाई ये अरे देखो दो पाइप लगा दिए थे, बस ये मोटर के मारे सारा काम रह रहा है। मोटर गई है अपनी, ये भी इसने सेट करता ये लो भाई यो काम भी पूरा हो गया है, ये काम तो हो गया पूरा। इसमें देखो भाई पानी का जान का जो रास्ता है वो कितने की जगह आड़ेगा तब आओगा फ्रेश वाटर। भाई इसमें का फ्रेश वाटर आओगा या वाल में कर दू बंद तो पानी आड़ेगा जाकर सीधा चला जाएगा ऊपर। अगर मैं न्यू करूं या वाल खोल दू और भाई आड़ेगा पानी फिर नू जाएगा घूम कर, लेकिन या वाल अगर मैं बंद कर दू फ्रेश वाटर की तो जो टैंक का पानी उठाओगा, और या बंद कर दूंगा तो फिर टैंक के पानी ने ऊपर पहुंचा देगा। भाई सही है, ये होगा भाई एक काम पे। लो भाई एक कनेक्शन बना दूं मैं भी इसका कि हाड़ की हाड़ बाहर अगर पानी लेना है हमने तो हाड़ पानी छोड़ने का भी एक कनेक्शन बना दें। हाँ ऊपर है हाड़ की हाड़ पाइप लगा कर अन्य कानू बैंड छोड़ देंगे। ये और काम करती हूँ मैं एक बार, लो भाई यो भी हो गया पूरा। इसने एक बार पानी उठवा के देख लिया मोटर से कि कितने की लीकेज वगैरह तो नहीं है, अगर लीकेज नहीं रही हो तो यो भाई काम हो जाए पूरा, फिर ऊपरला पाइप और पहुंचा देंगे ऊपर छत पे अपने, फिर टंकी देने की प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो चलो भाई एक बार इसने छोड़ गया अड़े अड़े नहीं, एक बार पानी का प्रेशर देख लिया पानी उठाओ मोटर नहीं उठाती या कोई लीकेज है कि नहीं, एक बार यो काम और कर लिया इसमें चेक।
चलो चेक करा एक बार, पानी पुनी भी घाल दिया है, पानी ठाओगी कि नहीं ठाओगी? जो इब को भी नहीं ठाया तो फिर दिक्कत है, पानी घाल लिया तो मोटर ठा लेना। अरे ले भाई ले, आ गया आ गया आ गया, पानी ठा लिया। यस सक्सेस भाई सक्सेस, एक काम तो होगा कंप्लीट, बहुत बढ़िया भाई। भाई एक छोटी सी गड़बड़ होगी, जो यो पॉइंट लगा रखा था इस पॉइंट में आते देखो लीकेज है, देखो यो आड़े तो फिर आड़े तो खोलना पड़ेगा सारा, और आड़े तो खोलना पड़ेगा इन्हें का यार चैनल आड़े तो यो कह कि आड़े जॉइंट के मैं लागे लागे भी आराम से खुल जाएगा, तो इसने खोल के इस मोटर ने एक काट गए, यो फिर बदलना पड़ेगा भाई। तो चलो इसने बदल लिया एक बार, चलो भाई खोलते हैं एक बार। लो भाई खुल गया, यो भी यो ये दुखी कर रहा था, मतलब यो देख उसका हट गया, यो जो पाइप है ना यो ये देख इसके में इस तरह अटैच था यो, पर यो फ्री हो गया इसमें, जिसकी वजह से इसमें लीकेज होगी, जो थोड़ा गलत टाइट घना टाइट कर दिया जाता है ढीला हो गया। चलो इसने बतलाएंगे
लो भाई मोटर दोबारा सेट कर दी है। इस पाइप ने इसमें यार न्यू लगा देना है। रेन्यू ऊपर 10 फीट तक का, फिर इसके साथ यूं और फिर यूं ऊपर बता दिया कर दें ऑपरेशन सेट। चलो भाई ट्रैफिक तो बता दो ऊपर टंकी ने सेट कर दिया। हाँ तो लेके चला इसे ऊपर भाई। सब कुछ रेडी कर दिया है, जितना कनेक्शन जितनी होना था, जो पाइप जितना लगना था, काटा पिटी नाप तोल सब कुछ कर लिया। या ऊपर भी छत पर टंकी भी धर ली है, तो पीछे का व्यू देखो कितना एनडीआर है, इसमें तो एक फोटो हो जाना चाहिए भाई। यह टंकी धर दी है, यह टंकी जचा दी है, जो पाइप लगाया हड़े गए, इससे पाइप में का पानी चढ़ेगा और इस समय का नीचे उतरेगा। एक का ही पाइप का कनेक्शन कर दिया सारा की देखा, और नीचे देगा भाई यो सारा देख लो, नीचे चल के दिखाऊंगा। यार वाल लगा दिया, कदे भाई न्यू है भाई टंकी भाई मोटर वगैरह खोलनी पड़े या फिर कुछ और कनेक्शन करना पड़े तो यो करना पड़ सके। देख लो भाई मोर अपना दाना चुगना लिया है, अपना फाइबर को भाई रोज दाना गेर दिया करा, इसकी चुग ले जाएगा, जीव का भी पेट भर जाएगा। भूख लग गई जीव ऊपर फेंक दे बस। खा पी के काम ना खींच दिया है, तो भाई एक तो यो जॉइंट रह रेडे है यो वाला, और भाई एक यो जॉइंट रह रहा है ये तो जॉइंट रह रहे हैं तुम देख सकते हो। हाँ लो भाई कर दिए पाइप भी सेट अड़ेगा। चलो ये नीचे देखा एक बार। लो भाई फाइनली द प्रोजेक्ट द एंड हो गया है, जो सिस्टम कर दिया है। देखो भाई समझाऊंगा तुमने कि एक करा इसमें गए
यो है मेन पानी का पाइप, इस पाइप में का पानी आओगा मोटर आड़े कर लेगी, ठीक है भाई। अरे इस आड़े का पानी हाड़े पौध में आड़ चला जाएगा, अगर मैंने यो बंद कर दिया तो पानी की जगह याड़ आ जाएगा, ठीक है। ये भाड़े एक वाल लगानी है, वह वाल अड़ लगाए पाछे पानी की जगह ऊपर टंकी में, इस पानी पाइप में गए, इस पाइप में गए ऊपर टंकी का पानी नीचे आओगा। अगर यह बंद है तो मोटर वापस पानी जान नहीं जाग रहा है तो पानी हड़ लग रहा होगा। इसका पानी ठाड़ा है तो क्या करना है, जो मेन है जो यो बंद कर दिया, जो बंद कर दिया मोटर पानी आड़े तक ठाण लाग रही है, यो पानी आड़े के जाओगा और वही इसमें आड़ भी लगेगा और ऊपर भी चला जाएगा। तो ये सिस्टम है भाई, इसके सारे फाइनली प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, जो अपना खुद प्लम्बिंग का काम लग रहा था भाई, मगर ये भी वो जो गड्ढा है यो आटना है, देखो भाई ऊपर तक एक ही पाइप से, पाइप की भी बचत होगी और अपना काम भी बन गया। पानी का टैंक, ठीक है, इसमें थोड़ा वो पाइप दिखता होगा, वो पानी को पाइप नीचे बीच में छोड़ रखा है, ये पानी का पानी है भाई, बस थोड़ी आली है यार, ना तो मैं इसमें पानी पचड़ा लेता ही। देख लो भाई सारा काम अपने आप करा है, कुछ किसी मिस्त्री की हेल्प नहीं ली, कोई प्लम्बर नहीं बुलाया मैंने, हालांकि इसमें दो दिन लग गए, पूरे पूरे दो दिन, क्योंकि यार अपने आप तो कई चीज बदली है, फेयर कराया है। अरे भाई वो बीच में एक बार मोटर भी खराब हो गई थी अपनी, दूसरी मोटर लेकर आनी पड़ी, फिर भाई बीच में वो लीकेज रह गई थी, लीकेज ठीक करने खातर वो दोबारा फिर खोलिया, तो थोड़ा सा भाई टाइम लग गया है, लेकिन अपने आप कर लिया है। इवनू है एक आइडिया सा आ गया है, सीख लिया है भाई, एक मेन मोटर है अपनी जो उस जगह पर लगा रखी है, वो मेन मोटर है पहला, उसका भी कनेक्शन दो तरीके तक करा था, वो मन नहीं करा था। तो ये इस तरह का जो काम करते रहो यार, देख हमने कदे ना कदे को प्लम्बर अपने घर पर काम करते देखा है, जब वो काम थरे घर पर करना गया है तो उसने देख कर तुम सीख सको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देख कर ना प्रैक्टिकल करना बहुत इजी काम है और उसने हर कोई कर सका है। तो कोशिश करा करो भाई हर एक चीज ने पहले खुद से करके देखो, ठीक है। क्या था थोड़ा बहुत नुकसान होया, थोड़ी बहुत तो टूट टूट खराब हो, देखो वह बाकी जो मोटर जो टूटी थी वह खराब हो रही थी भाई, वह वही उसके लायक ना थी, हालांकि वह जो मोटर खराब हुई उसमें खराब मैं जान भी नहीं दूंगा, उसका भी देखियो अगली वीडियो में क्या बना के मैं वो सिस्टम बना के दिखाऊंगा तुमने। तो भाई वो यहीं तक था भाई, बढ़िया लग गया हो या फिर और कोई सजेशन हो भाई मैं क्या कर सकूँगा तो जरूर बताइए कमेंट में, बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। फाइनली ऊपर टंकी भी पानी चढ़ा दिया भाई, देखो ऊपर ले कनेक्शन मान का था, नीचे कनेक्शन उसमें मिल गया, ऊपर पानी नहीं आया है, ये ऊपर ले पाइप का क्या करेंगे इसमें खाली छोड़ देंगे ताकि हवा निकलती रहे, क्योंकि अगर ये आदमी को बंद कर दिया ढक्कन फिर बंद कर दिया ना, जो पानी नीचे जाएगा तो सक्शन कर लेगा और फिर वैक्यूम बना देगा, इसमें पानी फिर नीचे जाएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लो भाई टंकी हट गए भराइए, कर दिया काम पूरा, देखो भाई ये जो दो दिन में मैंने खींचातानी करके नया टंकी छाती पहुंचाई है वो सिर्फ और सिर्फ इस मशीन का अतर कराया है भाई। टेक्नीशियन बुलाते टेक्नीशियन के करते भाई वो कह देते कि भाई प्रेशर कम है, तो भाई वो प्रेशर ज्यादा बनाने खातर इसकी स्पेशल यह टंकी अकेली उड़ो ऊपर चढ़ा दी है। ईव देख लो भाई भी प्रेशर भी बहुत बढ़िया चल जाता है इसका, तो देखते हैं भाई कितनी सक्सेस रहेगी कितनी नहीं, या जद्दोजहद सिर्फ इस खातर चल करी है और फिलहाल बाकी सही चल रही है भाई। राम राम बसा रहा है।